अग्निवीर की बात चल रही थी यहाँ। अग्निवीर वो योजना लेकर आई है भारत सरकार, मोदी सरकार, के एक बहुत जल्दी इस देश को के नागरिकों को सभी को एक योद्धा के रूप में देखना चाहती है और सभी के सभी को शस्त्र चलाने की विद्या देने की बात चल रही है। चमचागिरी अखिलेश की करे, अरे सुन, चमचागिरी अखिलेश की करे वो मूर्ख कहलाए, और माँ मूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। अखिलेश यादव जी वो बीमारी है उत्तर प्रदेश की जिसको कैंसर से भी भयानक बोले जाता है, वो कई अति गहमन जैसे आतंकवादी अखिलेश यादव ने पाड़े, उसके बाप ने पाड़े, उनको संसद तक बैठाने का काम कर रहा है एक आतंकवादियों को। सुनिए, पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस पार्टी ने एक वकीलों का जत्था खड़ा किया कि राम मंदिर कभी अस्तित्व में ही नहीं था, यहाँ पे बाबरी मस्जिद ही थी। आज वही कांग्रेस, क्या दोगलापन इनका है, आज हिंदू वोटों को लेने के लिए ये लोग जो है आज इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इन्होंने कभी राम का तो सपोर्ट किया नहीं, हाथ पे सबसे बड़ी बात तो ये सुन करो, मेरा नाम रविंदर आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्मा हूँ, फिलहाल दिल्ली नथुपुरे में रह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे उठाई गिरे हैं जो कि उल्टी सीधी अफवाहें मचाते हैं मेरे बारे में भी। पहले बात सुन लो, है दूसरी बात, अग्निवीर की बात चल रही थी यहाँ। अग्निवीर वो योजना लेकर आई है भारत सरकार, मोदी सरकार, के एक बहुत जल्दी इस देश को के नागरिकों को सभी को एक योद्धा के रूप में देखना चाहती है और सभी के सभी को शस्त्र चलाने की विद्या देने की बात चल रही है। तो विपक्ष के पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि उनके आकाओं का डंडा उसके पीछे लगा हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा भारत हो गया तो कल इजराइल जैसा, हमास जैसे को ठोक देगा, तो उस चीज से इनकी इनको घबराहट है। क्योंकि आज तक आतंकवाद पाड़े, एक नहीं दो दो प्रधानमंत्री उस आतंकवाद के शिकार हुए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी आतंकवाद पाड़ा, आतंकवाद के शिकार हुए, दे देते हैं कि शहीद हो गए, बोल देते हैं शहीद हो गए हमारे तो, लेकिन जब भगत सिंह का नंबर आता है तो उसको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। 56 साल तक इनकी सरकार रहे, जिसने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, इन निकम्मों को शहीद का दर्जा दे देते हैं। राम मंदिर का विरोध करेंगे, शंकर भगवान की तस्वीर ले हाथ में लेकर गए, तमाशा दिखाऊंगे लोगों को, ये है बहरूप ये लोग है। मेरा कहने का मतलब यही है कि राम मंदिर का विरोध जैसे कर रहे थे, इतना एकड़ में राम मंदिर नहीं, इनकी 150 एकड़ में तो इनकी समाधि बनी हुई है राजघाट पे, जा करके देख लो, इतने में तो राम मंदिर नहीं बना, ये भगवान से भी ऊपर ले होगी। अरे ये तो अभी संसद की ही बात कर रहे हैं हम और भगवान के फोटोज की बात कर रहे हैं हम, तो सपा नेता मुखिया जो अखिलेश यादव उनकी भी बात कर लेते हैं, वो तो कह रहे हैं कि होइए वही जो राम रच राखा जो फैजाबाद में बीजेपी हारी है। जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो लोग जो है अयोध्या जीतने के बाद जो राम की गुणगान करने लगे हैं। ये लोग कभी एफिडेविट देते थे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक हैं। सुनिए, पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस पार्टी ने एक वकीलों का जत्था खड़ा किया कि राम मंदिर कभी अस्तित्व में ही नहीं था, यहाँ पे बाबरी मस्जिद ही थी। आज वही कांग्रेस, क्या दोगलापन इनका है, आज हिंदू वोटों को लेने के लिए ये लोग जो है आज इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इन्होंने कभी राम का तो सपोर्ट किया नहीं, राम को कभी अपना वो आदर्श माना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भगवान राम के आदर्शों के लिए जो है हमेशा राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, और राम मंदिर मोदी के नेतृत्व में बना भी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रेय नरेंद्र मोदी को ही मिलना चाहिए, इसके पहले किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि ये राम मंदिर बन भी सके, कोई कल्पना नहीं करता था। धारा 370 हटाने की कभी कोई कल्पना नहीं, लोग कहते थे धारा 370 जिस दिन हटा उस दिन जो है खून की नदियां बह जाए, कुछ नहीं हुआ। धारा 370 भी हटा और देखिए पूरी तरीके से कश्मीर में एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। धारा 370 का मतलब था कि एक दूसरा उनका अलग संविधान था, आरटीआई नहीं लागू हो सकती थी, इसका मतलब कि भारत में एक पाकिस्तान था। तो जब 370 हटाया जा रहा था तो पूरी विपक्ष पार्टी मिलकर विरोध कर रही थी। आप सोचिए, जो भारत में एक पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था उस 370 को हटा रही थी भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 370 का क्यों समर्थन कर रही थी? तो ये लोग हमेशा से टुकड़े टुकड़े गैंग, अलगाववादी गैंग के साथ रहे हैं, जो देश में हमेशा विभाजनकारी नीतियों को अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी उनका सपोर्ट करती है और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहती है उस पार्टी का ये लोग विरोध करते हैं। इनके जो नापाक इरादे हैं कांग्रेस पार्टी के जनता जान चुकी, इसलिए ये लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर बैठे, 99 से ये 100 नहीं क्रॉस कर पाए, कभी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी वो बीमारी है उत्तर प्रदेश की जिसको कैंसर से भी भयानक बोले जाता है वहाँ। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अति गहमन जैसे आतंकवादी अखिलेश यादव ने पाड़े, उसके बाप ने पाड़े, उनको संसद तक बैठाने का काम कर रहा है एक आतंकवादियों को, तो वो अखिलेश यादव है। एक आजमगढ़ जिला हमारे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी अंचल बोल देते हैं उधर के लोग,
है, वहाँ से एक महीने में एक दर्जन से ज्यादा आतंकवादी निकलते थे, जिसको जिसको मुलायम का और अखिलेश का गढ़ बोले जाता था। आज उनसे बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ हो। सुन लो एक मिनट सुन लो। फिर दूसरी बात, अरे बताएंगे। फिर दूसरी बात अरे सुन ले। अरे तड़ीपार आप जैसे हो, आप जल गुरु के चेल ले आप जैसे हो, सुन लो आप। फिर दूसरी बात, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई किसने? मुलायम सिंह पार्टी ने। जितना गुंडागर्दी कराई मुलायम सिंह पार्टी ने। जब उत्तर प्रदेश से उनकी बिल्कुल सफाया हो गया तो आज वे तिल मिला रहे, आज उनकी 37 सीट आ जाती है तो होश खराब हो जाते हैं पब्लिक के भी और उनके भी। सुनो, होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो गुंडे अपने तमंचे छुपा रखे थे, जो जंग खा गए, उनमें हवा आ जाती है कि अब तुम्हारा वो खाने वाला। लेकिन बुलडोजर बाबा वहीं बैठे हैं, बोलने नहीं देंगे। इन तड़ी पार तो हो गए बीजेपी वाले, यूपी से सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश की हो गई, ये अपना काम नहीं गिनवाएंगे। बस ये नहीं पता कि आज भी मुख्यमंत्री बीजेपी का ही है वहाँ, इन्हें ये नहीं पता बाबा साहब, ये मूर्ख, इन मूर्खों को भी वही बना। गृह मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है, रक्षा मंत्री वही है, कृषि मंत्री वही है, क्या बदला हुआ? लोकसभा का स्पीकर भी वही है। कहते थे कि गठबंधन में बीजेपी मजबूरी में रहेगी, लेकिन आप सोचिए जितने भी बड़े प्रोटोकॉल के पद थे, चाहे कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सबने बीजेपी अपने पास रखी। और सुनिए, मोदी जी का पैर छुआ बकायदा नीतीश कुमार ने, तो देखिए गठबंधन तो जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है बॉस पार्टी है यहाँ की, कोई परिवर्तन देश में नहीं हुआ। विपक्ष सुनिए, 99 सीटें हासिल करके कांग्रेस पार्टी अपने आप को जीता बता रही है, जो 240 सीटें प्राप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पार्टी को बता रही है कि ये पार्टी हार गई। क्या दोगलापन इनका, क्या शर्म आनी चाहिए इनको, ये आंकड़े नहीं समझते। 99 सीटों को बड़ा बता रहे हैं, दोगलापन की बात कर, 400 का नारा लाए थे, 400 के नारे लाए थे, दोगलापन ही पन भैया खुद ही आके कहां गए 400 पे, कहां गए 400? ये वे लोग हैं, वे लोग हैं जो 100 भी बोल रहे हैं। सुन ले, सुन ले पहले, अरे सुन ले, नेगरी सरकार है, नेगरी सरकार है, सुन ले, अरे सुन ले, सिद्धू मूसे वाले याद दिला रहे हैं। दूसरी बात बताऊंगा, तो ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको बिल्कुल तमीज नहीं, ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं होती, बस ये सोच रहे कि तुम्हें, सुन ले, इनके दिमाग में ये है कि तुम्हें 100 में से 99 मिल गए। अरे मूर्खो, 543 में 99 मिले हैं, समझ में आवे तो बात है। दूसरी बात, चमचागिरी अखिलेश की करे, अरे सुन ले, चमचागिरी अखिलेश की करे वो मूर्ख कहलाए, और माँ मूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। तरी पार कौन था, हम तो खुला बोलते हैं हमेशा, तरी पार था 10 साल के लिए, पूरी हिंदुस्तान जानती है, क्या उसके वो उग्रवादी नहीं था? अभी तो मारा गया, वो कहाँ गया? ये 15 जो मारा है, 200 बंदे को मार दिया आश्रम में, वो कौन? तू तरी पार भी है तो कौन है वो? वो कौन तरी पार है? मेरे साथ बात करो ना, बीजेपी में तो 50% लेता है जो है सब तरी पार है। बोलो तरी पार हमेशा, आपको ये मालूम मैडम की तरी पार का किताब मिला हुआ उसको, वाला पोस्ट लेके बैठे हुए ये उन्हीं लोगों के चेले हैं के बस इससे आगे बोलेंगे नहीं, ना बोलना होता। नेशनल हेराल्ड मामले में, एक सेकंड, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जमानत पे हैं, असली जमानत पे तो कांग्रेस पार्टी है। नेशनल हेराल्ड मामले में आपको पता होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद जमानत पे हैं, और ये बीजेपी को बता रहे हैं। किसी के ऊपर, मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इनके ऊपर कोई एक केस भी साबित नहीं हो चुका है, जाके जबकि सबको पता है नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। तो ऐसे बोलते रहते हैं लोग, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। देश की जनता खुद फैसला कर रही है किसको सत्ता देनी है किसको नहीं देनी, ये तो जनता फैसला 2014 में की, फिर 19 में भी, 24 में, फिर 29 में भी करेगी, 34 में भी करेगी, 47 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले कुछ नहीं होने वाला।